क्या रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट मिल जाएगी टॉय ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए? क्या टॉयलेट्स भी बने हुए टॉय ट्रेन में? क्या लगेज लेकर जाना अलाउड है? ऐसे ही कई सवाल आपने पिछली वीडियो में मुझसे पूछे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सब सवालों के ऑथेंटिक जवाब देने वाला हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस जर्नी से रिलेटेड। मैं काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल चुका हूँ इस चैनल पर एंड आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा काम आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं उन सभी सवालों या डाउट्स की जो कॉमनली सबके मन में होते हैं, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने सभी चीजें एक्सप्लेन की हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस सफर में जाने से पहले। पहला डाउट, क्या लगेज अलाउड है? तो इसका जवाब है यस, उतना लगेज अलाउड है जितना एक नॉर्मल ट्रेवलर के पास होता है, लाइक 2 bags पर पर्सन। सेकंड डाउट, क्या फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास एंड एसी चेयर कार में विंडोज ओपन होती है? तो इसका जवाब है ये सभी कोचेज में विंडोज ओपन हो जाती है, हालांकि एसी लगे हुए इन सभी क्लासेज में, अगर जरूरत दिया तो उनको चलाया जाता है, अदरवाइज नहीं। तीसरा डाउट, क्या वॉशरूम बने हुए हैं सभी कोचेज में? तो इसका जवाब है जी हाँ, सभी कोचेज में टॉयलेट्स बने हुए हैं एंड एक अच्छी बात और है कि सभी टॉयलेट्स एकदम नीट एंड क्लीन मिलेंगे। चौथा डाउट, क्या तत्काल बुकिंग होती है जैसे बाकी ट्रेन में देखने को मिल जाती है? तो इसका जवाब है नहीं, तत्काल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टॉय ट्रेन के लिए। पांचवा डाउट, कौन सी क्लास बेस्ट है ट्रेवल करने के लिए? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि डिफरेंट टाइप के कोचेज होते हैं टॉय ट्रेन में, अगर आपकी प्रायोरिटी है कम्फर्ट तो आप फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास एंड चेयर कार में से कोई भी बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बजट में ट्रेवल करना है तो आप सेकंड क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, जिसकी टिकट का प्राइस होता है ओनली 75 rupees पूरे सफर का। सेकंड क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, व्यूज को एंजॉय करते हुए पूरा सफर कट जाएगा। इन सभी कोचेस की इन्फॉर्मेशन एंड टिकट के प्राइस की इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताई है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। छठा डाउट, विस्टाडोम कोचेस कौन से होते हैं? अगर आपको विस्टाडोम कोच बुक करना है जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, तो आपको बुक करना होगा ईसी, जो कि है एग्जीक्यूटिव क्लास। सातवा डाउट, क्या रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से टिकट ली जा सकती है? इस डाउट के रिगार्डिंग काफी लोगों ने कमेंट एंड मैसेजेस किए हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में कोविड से पहले जनरल टिकट अलाउड थी ट्रेवल करने के लिए, आप प्लेटफॉर्म से टिकट ले सकते थे, लेकिन 2020 के बाद से टिकट काउंटर से टिकट मिलना बंद हो गया था, आप सिर्फ बुकिंग करके ही जा सकते थे। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं सलोगरा नाम के रेलवे स्टेशन पर गया एंड वहां जाकर बात की, तो पता लगा कि अभी कुछ दिन पहले से ये फैसिलिटी फिर से स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप किसी भी टॉय ट्रेन के रेलवे स्टेशन से टिकट ले सकते हैं एंड ट्रेवल कर सकते हैं टॉय ट्रेन में। आपको सीट मिलेगी या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप ट्रेवल जरूर कर पाएंगे उस टिकट से। कालका से अगर आप टिकट लेते हो तो 90% चांसेस है आपको सीट मिल जाएगी सेकंड सीटिंग में। आठवां डाउट, क्या जनरल कैटेगरी होती है? तो इसका जवाब है जो ये सेकंड सीटिंग क्लास है यही जनरल कैटेगरी है। नोवा डाउट, राइट साइड की विंडो सीट कैसे बुक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप ऑनलाइन ऐसे स्पेसिफिकली राइट साइड की सीट बुक नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ट्रेन बोर्ड करोगे तो टीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइट साइड विंडो सीट के लिए एंड वो लोग काफी कोऑपरेटिव होते हैं एंड मान जाते हैं रिक्वेस्ट करने पर। दसवां डाउट, क्या इस जर्नी का एक्सपीरियंस लेने के लिए पूरा सफर करना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, अगर आपको जस्ट एक्सपीरियंस लेना है इसमें ट्रेवल करने का तो आप 1 से 2 घंटे के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक कर सकते हैं सोलन से शोगी एंड वहां से वापस रिटर्न बस में आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में काफी बसेस चलती रहती हैं। इस पूरी जर्नी में 107 टनल्स एंड 864 ब्रिजेस आएंगे, जस्ट इमेजिन। और जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है उसकी लेंथ है 1100 मीटर एंड वो बड़ोग स्टेशन से जस्ट पहले ही आएगी। इस टनल के पीछे एक स्टोरी है, जब ये रेलवे रूट तैयार हो रहा था तो इंजीनियर मिस्टर बड़ोग इस टनल पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों एंड से टनल की खुदाई के बाद भी उसका सेंटर एक लाइन में नहीं मिला। इस फेलियर की वजह से मिस्टर बड़ोग ने सुसाइड कर लिया एंड इस टनल का नाम बड़ोग टनल रख दिया गया। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहली वीडियो देखना मत भूलना, उसमें मैंने कालका से शिमला टॉय ट्रेन के सफर की सभी डिटेल्स टू द पॉइंट बताई हैं। इसके अलावा भी मैंने और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हो या फिर मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।